इसकी क्वालिटी कैसी है, पूरा एकदम स्मूथनेस वाला व्हाइट है, पूरा शाइन कर रहा है, प्रॉपर व्हाइट है, कहीं से भी आपको पीलापन नहीं मिलेगा इस बेड में। तो पर अगर खड़ा भी होऊंगा ना तो देखेंगे, तो मैं आराम से इजीली खड़ा हो गया हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। दो साइड टेबल आपको इसके साथ मिलेंगे। साइड टेबल में अगर आप देखेंगे नीचे दो ड्रॉअर हैं। तो जो प्लाई है वो कम से कम आपकी 18 mm हमने प्लाई रखी है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डबल बेड दिखाऊंगा, और डबल बेड दोस्तों जो होने वाला है उसके साथ दोस्तों दो साइड टेबल भी है, और पूरा लग्जरी सेगमेंट का डबल बेड होने वाला है जो मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा डिटेल बताऊंगा क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल हमने यूज़ करा उस बेड को बनाने में, और क्या प्रोसेस था उस बेड को बनाने में, सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए डबल बेड लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में बताया कि आपको बेड लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के फर्नीचर रिलेटेड कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपको ये बेड लेना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी जितनी भी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अब एक काम करता हूँ, सीधा आपको बेड के पास लेके चलता हूँ और बेड की सारी डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों यही वो बेड है जिसकी मैं बात कर रहा था, और सबसे पहले हम इसी कुशनिंग की बात करते हैं। बेड के हेड साइड की अगर हम बात करें, बेड के हेड साइड में दोस्तों आपको कुशनिंग मिलेगी 3 इंची फॉर्म के साथ। दोस्तों जो ये 3 इंची फॉर्म के साथ पूरी कुशनिंग हो रखी है, और वाइट कलर की पूरी रैक्सिंग लगी है पूरी इसमें, और डायमंड के साथ पूरी कुशनिंग हो रखी है। उसके साथ अगर मैं इसी की हाइट की बात करूँ, इसकी हाइट कितनी है ज़मीन से, दोस्तों जो इस बेड की जो हाइट है वो आपको 4.5 फीट ज़मीन से ऊँचा मिलेगा। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आपको साइड टेबल मिलेंगी, दो साइड टेबल, एक साइड टेबल दोस्तों ये है, दूसरी साइड टेबल दोस्तों वो है, दो साइड टेबल आपको इसके साथ मिलेंगी। साइड टेबल में अगर आप देखेंगे नीचे दो ड्रॉअर हैं, पहला ड्रॉअर ये हो गया और दूसरा ड्रॉअर ये, और रोज़ गोल्ड कलर की हमने इसमें मेटेलिक प्रोफाइल लगाई हुई है। ये रोज़ गोल्ड कलर की मेटेलिक प्रोफाइल है, सेम हेड साइड में भी आपको रोज़ गोल्ड कलर की मेटेलिक प्रोफाइल मिलेगी, वही सेम आपको बेड के हेड साइड में भी आपको मिलेगी। और जो हैंडल है दोस्तों वो गोल्डन कलर में हैंडल लगाए हुए हैं, थोड़ा प्रीमियम लुक आता है इस हैंडल को लगाने में। अगर आप देखेंगे थोड़ा प्रीमियम लुक लगता है, लग्जरी थोड़ा लगता है हैंडल को लगाने से। जैसे ये साइड टेबल है सेम डिज़ाइन, दूसरी साइड टेबल का सेम डिज़ाइन है, मतलब हैंडल भी सेम है, कलर भी सेम है, और रोज़ गोल्ड कलर की प्रोफाइल लगी हुई है। उसके बाद अगर हम मैट्रेस एरिया की बात करें जिसके ऊपर हम अपना मैट्रेस रखेंगे, इसका अगर मैं साइज़ की बात करूं दोस्तों 72x75 इसका साइज़ है, मतलब 72x75 इसका साइज़ है। मैट्रेस आप अपने आराम से 7 इंची या 8 इंची मैट्रेस आराम से इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो सा कलर हो रखा है जिसके ऊपर हम मैट्रेस रखेंगे, उसका जो कलर है दोस्तों वो पूरा फीलिंग के साथ स्मूथनेस, थोड़ा स्मूथ, ये थोड़ा खुरदुरा नहीं मिलेगा आपको, पूरा स्मूथ मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा तो क्योंकि हमने इसे फीलिंग करा हुआ है। फीलिंग करने से क्या होता है, थोड़ी स्मूथनेस बढ़ जाती है, थोड़ी खूबसूरत लगता है बेड, बस ये होता है और कुछ नहीं होता। बाकी अगर आप इसके ऊपर पॉलिश भी नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, बस इसलिए हम फीलिंग के साथ इसमें पॉलिश करते हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर जो हमने प्लाई रखी है, ये दोस्तों जो प्लाई है वो कम से कम आपकी 18 mm हमने प्लाई रखी है। दोस्तों जो ये प्लाई है ये कम से कम 18 mm हमने प्लाई इसके ऊपर रखी है। आप 16 mm भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 18 mm इसके ऊपर प्लाई रखनी ही रखनी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें स्टैंड दिया हुआ है, ये स्टैंड है इसका, हमने इसे स्टैंड लगा दिया। उसके बाद ये स्टैंड लगाने का दोस्तों हमने ये फ़ायदा होता है ताकि अगर आप अकेले भी सामान अगर निकालना हो आपको, तब स्टैंड लगा के आराम से अकेले सामान अंदर बाहर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर अपना लगेज एरिया आ गया, इसके नीचे दोस्तों हमारा लगेज एरिया आ गया। लगेज एरिया में हमने इसके नीचे 18 mm प्लाई दी है ताकि आराम से अगर कोई खड़ा भी होता है तो कोई आवाज़ ना आए। जैसे मैं इसके ऊपर अगर खड़ा भी होऊंगा ना तो देखेंगे, तो मैं आराम से इजीली खड़ा हो गया हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आप भी कहीं से भी लेते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ताकि कोई इशू ना आए। और इसके अंदर भी आपको दोस्तों कंप्लीट पॉलिश मिलेगा, इसके अंदर भी पूरा फिलिंग के साथ पॉलिश मिलेगा, हर जगह इसमें स्मूथनेस है, स्मूथनेस से ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। एक चीज़ और दिखाऊं मैं बेड में आपको, दोस्तों बेड में आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, ये थोड़ा बाहर से हैवी सा थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ये आपको तीनों साइड मिलेगा। इस साइड भी दोस्तों आपको बेड के मिलेगा, सेम यही चीज़ आपको उस साइड में भी बेड के मिलेगा। दोस्तों इसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये लगाने से दोस्तों क्या होता है, बेड की थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है, और ज़्यादातर इस तरह के बेड होटलों में होते हैं प्लेटफॉर्म वाले बेड। और इस साइड से दिखाऊँ तो देख सकते हैं, इधर से भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा और सामने से भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसके बाद अगर इसकी हाइट की टोटल बात करूं, कितनी हाइट है दोस्तों, ऐसे में इस एंड से लेकर यहां से लेकर अगर पूरी में हाइट की बात करूं दोस्तों 6.5 फुट आपको ऐसे मिलेगा, और
इस साइड टेबल से लेकर उस साइड टेबल की अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ, टोटल आपको 10 फिट इसकी चौड़ाई मिलेगी। जो हमने इसमें कलर रखा है वो वाइट रखा है। वाइट में दोस्तों बहुत सारी क्वालिटी आती है, वाइट में मेलामाइन भी आता है और पीयू भी आता है। हमने दोस्तों पीयू रखा है, पीयू पॉलिश क्वालिटी है मटेरियल की, तो दोस्तों हमने इसे पीयू पॉलिश वाइट इसलिए रखा है ताकि हम अगर मेलामाइन पॉलिश में करते भी हैं तो मेलामाइन पॉलिश दोस्तों वाइट में ना हमेशा थोड़ा पीलापन आ जाता है। पीयू मारने से क्या रहता है, पीलापन नहीं आता, ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, ये रहता है पीयू पॉलिश करने का फ़ायदा। इसीलिए इस बेड पे आपको पूरा वाइट प्यू पॉलिश के साथ मिलेगा। इसकी क्वालिटी कैसी है, पूरा एकदम स्मूथनेस वाला वाइट है, पूरा शाइन कर रहा है, प्रॉपर वाइट है, कहीं से भी आपको पीलापन नहीं मिलेगा इस बेड में। उसके बाद अगर आप इसमें कोई कलर चेंजिंग कराना चाहते हैं, जैसे अगर आपको इसमें कुशनिंग में कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज कराना है, आप वो भी करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद कलर चेंज कराना हो बेड का, ऐसे आपको डार्क ब्राउन में चाहिए, वाइट में आपको नहीं पसंद, तो वो भी हो जाता है। बेड में कोई भी कस्टमाइजेशन वो सब पॉसिबल है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बेड लेने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इन बातों को किसी पेपर पे लिख सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्वालिटी का ध्यान देना है। क्वालिटी में सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा कि बेड की जो क्वालिटी है, मतलब वो किस क्वालिटी का आपको मटेरियल दे रहे हैं, प्लाईवुड है वो अच्छी क्वालिटी का आपको दे रहे हैं। ये ना हो कि लोकल में एकदम थर्ड क्लास आपको माल दे रहे हो, ऐसा इशू ना है। आप जिस भी दुकानदार से अपना बेड ले रहे हो, आप पॉलिश होने से पहले अगर आपने उनको ऑर्डर दिया है तो आप पॉलिश होने से पहले आप उस बेड को ज़रूर देख लें कि हाँ कि हमारे बेड में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, ऐसा कोई इशू ना है। और कहने का मेरा मतलब ये है कि पॉलिश होने से पहले आप बेड को एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल ज़रूर पता लग जाए। उसके बाद दोस्तों आपको प्लाई की थिकनेस का ध्यान देना है, कितनी एम की प्लाई आपको लगा के दे रहे हैं। सपोज दैट जिसके ऊपर आप मैट्रेस सकते हैं उसकी कम से कम थिकनेस 16 से 18 एमएम के बीच होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप मैट्रेस सकते हैं और सोते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाली प्लाई का ध्यान देना है, जिसके अंदर आप अपना सामान रखते हैं, लगेज रखते हैं, मतलब कंबल रखते हैं, जो भी अपना सामान रखते हैं, उस वाली प्लाई का आपको ध्यान देना है कितने एमएम वो आपको लगा के दे रहे हैं, कितने एमएम आपको लगा के दे रहे हैं। सपोज दैट कम से कम आपको 12 एमएम तो आपको लगी होनी चाहिए नीचे वाली में, ताकि अगर आपने भारी सामान भी रखें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों बेड में कोई इशू नहीं आता, अगर एक बार कहीं पर भी बेड आपका सेट हो जाता है तो कहीं पर भी कोई इशू नहीं आता। इशू तब आता है जब आपने बेड को सेट इधर उधर शिफ्ट करते हैं, तब इशू आता है, तब उसकी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी तब बेड की पता लगती है, क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, क्या ड्यूरेबिलिटी है बेड की। क्योंकि जब बेड को हम इधर से शिफ्ट करके कहीं और लेके जाते हैं, इधर उधर लगता है तो कहीं से टूटता है। जब अच्छा माल मटेरियल लगेगा तो टूटेगा नहीं, ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों आपको पॉलिश क्वालिटी का ध्यान देना है, किस क्वालिटी का पॉलिश आपको करके दे रहे हैं। कलर तो आप अपने हिसाब से कोई भी बेड में करा सकते हैं, लाइट में, डार्क में, जैसे भी जो भी आपकी पसंद हो आप वो करवा सकते हैं। बस क्वालिटी ऑफ पॉलिश का ध्यान देना है कि वो हाई ग्लॉस करके दे रहे हैं आपको या पीयू पॉलिश करके दे रहे हैं। दोस्तों पीयू पॉलिश थोड़ा अपर ग्रेड होता है, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। बस ये होता है जो मेलामाइन पॉलिश होता है उससे थोड़ा महंगा होता है पॉलिश, को थोड़ी रॉ मटेरियल थोड़ा उसका थोड़ा महंगा आता है, इसीलिए थोड़ा ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, जब रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा है उसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप मेलामाइन भी कराते हैं पॉलिश तो इसका मतलब ये नहीं हो खराब होता है, वो भी अच्छा होता है, बस हाँ उसकी क्वालिटी पीयू से थोड़ी हल्की कम होती है। तो आपकी मर्जी है कि अगर मेलामाइन लें या पीयू लें। अगर जैसा जिस हिसाब से प्राइसिंग के हिसाब से अगर वो मेलामाइन दे रहे हैं तो आप मेलामाइन लीजिए, प्राइसिंग के हिसाब से पीयू देना तो पीयू लीजिए। मेरे हिसाब से आप पीयू पॉलिश लीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है बेड लेने के बाद एक साल बाद उसे रिप्लेस कर देंगे, अपना 5-6 साल तो हम बेड को चलाएंगे, तो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहे, शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा रहे, आप हमेशा पीयू पॉलिश ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, जिस भी दुकान से आप अपना फर्नीचर ले रहे हैं, मतलब किसी भी शॉप से ले रहे हैं, हमारे यहाँ से ले रहे हैं या किसी भी शॉप से ले रहे हैं, तो आपको दोस्तों क्वालिटी ऑफ मटेरियल का आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल में दोस्तों आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपको जो भी कस्टमर हैं, मतलब जैसे आप कहीं से बेड ले रहे हैं, जो भी दुकानदार वहाँ का मालिक है, सेल्समैन है, वो आपको जिस भी चीज़ की गारंटी या वारंटी दे रहे हैं वो सारी चीज़ आप बिल पे ज़रूर मेंशन करवा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 5 ईयर्स वारंटी दे रहे हैं और टूटने की आपको वारंटी दे रहे हैं, घुन लगने की आपको वारंटी दे रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बिल पे ज़रूर मेंशन करवा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर में बेड में अगर आपको कोई इशू आता है तो आप लोग ये ना बोले कि हाँ आपने ये बात हमको नहीं बोली, हमने घुन लगने की वारंटी आपको नहीं बोली थी, ताकि आप भी दिखा सकते हैं कि हाँ देखो आपने बोला था कि घुन लगने की, टूटने की वारंटी है, ये सारी चीज़ बिल पे मेंशन भी है। तो आप ये सारी चीज़ बिल पे ज़रूर मेंशन करवा लें, जिस भी दुकान से आप वारंटी गारंटी ले रहे हैं वो सारी चीज़ आप बिल पे ज़रूर मेंशन करवा लें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी है बेड लेने से पहले, आप बेड कहीं से भी लेते हैं तो ये सारी चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आपको ये बेड लेना है जो मैंने अभी आपको दिखाया तो आप ले सकते हैं, हमारी जितनी भी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर अपनी लोकेशन की बात करूँ तो हमारी लोकेशन कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, जो हमारी लोकेशन है वो लखनऊ में रायबरेली रोड पे पड़ती है हमारी लोकेशन। और दोस्तों आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप हमसे लोकेशन मंगवा सकते हैं।
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद हमारी वीडियो को लाइक कर लेना, और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस टॉपिक में वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों फर्नीचर रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, मतलब फर्नीचर के बारे में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।